उमरिया में बाघों के लिए और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों ने हमला कर दिया। हाथियों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का हाथी सूर्या पर शनिवार को हमला कर घायल कर दिया। अब टाइगर रिजर्व में सूर्या का इलाज किया जा रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बमेरा डैम कैंप में सूर्या हाथी था, वहीं घूम रहे जंगली हाथियों ने सूर्या पर हमला कर दिया। जंगली हाथियों ने पेड़ों को भी तोड़ा, जिसके बाद वापस जंगल की तरफ चले गए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बमेरा कैंप के सूर्या हाथी की उम्र लगभग 10 वर्ष है। उसके घायल होने की जानकारी लगते ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। क्षेत्र में गश्त बढ़ा दिया गया है, सूर्या की देख रेख में जुट गए और डॉक्टर नितिन गुप्ता भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सूर्या का इलाज शुरू किया। सूर्या को एंटीबायोटिक, पेन किलर सहित अन्य दवाइयां भी दी गई, इंजेक्शन भी लगाए गए हैं। उसके जख्मों पर मलहम लगाया गया, महावत को मालिश करने के लिए कहा गया। जंगली हाथियों के हमले के बाद घायल सूर्या से अब कुछ दिन काम नहीं लिया जाएगा और उसे आराम दिया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से उसे बमेरा डैम कैंप से दूसरे कैंप भेज दिया गया और लगातार उसकी दवाइयां मालिश की जाएगी, निगरानी रखी जाएगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक राजीव मिश्रा ने बताया कि सूर्या का इलाज किया जा रहा है, हालांकि उसे गंभीर चोट नहीं है, वह स्वस्थ है। सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी आर्यस सिकरवार ने बताया कि जंगली हाथियों को दूसरे हाथियों से यदि झुंड की सुगंध नहीं आती है तो वो हमला कर देते हैं। वन विभाग के हाथियों को गुड़ खिलाया जाता है, जंगली हाथियों को गुड़ नहीं मिलता है, इसके कारण सुगंध के कारण भी हमला कर देते हैं। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक हाथी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। हाथी जंगल में चारा खाकर बेहोश हो गया था, हालांकि समय रहते उसका इलाज किया गया और वह स्वस्थ होकर जंगल चला गया। फिलहाल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम लगातार उस हाथी की निगरानी कर रही है। गश्त के साथ ही इलाके में अन्य सभी हाथियों के मूवमेंट की निगरानी भी की जा रही है।